चलिए अब एक टॉपिक जो हम लोग को नया पढ़ना है उसको सुनिए, ध्यान दीजिए। मेडियन एंड सेंट्रोइड ना, कुछ इसके बारे में बताया गया था, एक बार फिर से सुन लीजिए क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मेडियंस का मतलब क्या हुआ बेटा, वायर एक ट्रायंगल है, ठीक। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? थ्री साइड्स। हर साइड का कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा, यस सर, ठीक है, मध्य बिंदु जिसको कहते हैं, यस सर। यानी मिड पॉइंट के इस साइड और इस साइड की साइड आपस में बराबर होगी, यस सर, ठीक। तो जो मीडियन है वो एक लाइन सेगमेंट है जो कि ट्रायंगल के वर्टेक्स से स्टार्ट होकर अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर मिलती है। इस लाइन सेगमेंट को ही हम क्या कहते हैं, मीडियन। ए बी सी डी, ठीक, यहाँ डी। तो जो एडी होगा वही मीडियन है, ओके। इसको हिंदी में माध्यिका कहते हैं। शांत हो जाओ, क्या कहना चाह रहे हो? और भी बन सकता है, जितने वर्टेक्स होंगे उतने मीडियंस बनेंगे। अब जैसे यहाँ मिड पॉइंट है और यहाँ वर्टेक्स है, इसके अपोजिट साइड ये है, तो वर्टेक्स मिड पॉइंट पर मिलने वाली जो ये लाइन है, इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, मीडियन। फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी वर्टेक्स है और इस लाइन का मिड पॉइंट यहाँ है, तो मिड पॉइंट से वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसे ही हम क्या कहेंगे, मीडियंस कहेंगे। सूर्यांश, तो ये क्लियर है, बहुत आसान है कि भाई हर एक ट्रायंगल में थ्री लाइंस होते हैं, उन तीनों लाइंस के कोई ना कोई मिड पॉइंट होंगे और उस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने पर जो लाइन बन रही है उसी लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, यानी ये जो एडी है, जो बीई है और जो सीएफ है, ये मीडियंस है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं मीडियंस के। चलिए अच्छा, एक चीज और नोटिस करिए कि ये सारे के सारे मीडियंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस जो बन रहा है इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोइड, सही है। अब तो डाउट क्लियर है, तो इस इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम्स को ही हम कहते हैं सेंट्रोइड। और ये सेंट्रोइड हमेशा चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, एक्यूट ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, सबके अंदर ही बनेगा, इंटीरियर ही बनेगा सेंट्रोइड। यही हम लोग प्रॉपर्टी स्टडी किए थे, कुछ और प्रॉपर्टी इसकी दी हुई थी, देख लेते हैं। द मीडियम्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, स्वाभाविक सी बात है कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो मिड पॉइंट भी बराबर बराबर डिस्टेंस पर ही होगा, तो उनके थ्रू जो मीडियम्स बन रहे हैं उनकी लेंथ भी आपस में बराबर होगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होगा तो उनकी मीडियम्स भी आपस में इक्वल होंगे। अगला है, The medians to the equal sides of isosceles triangle are equal. अब isosceles triangle है, तो उसके दो sides equal होंगे। तो जब दो sides equal हुए, तो equal वाले side की अब बात कर रहा हूँ। Third side छोड़ दिए। तो equal वाले sides का mid point अगर हम लगाएंगे, तो बराबर बराबर बटेगा। तो उन पर अगर हम vertex से median draw करेंगे, तो जो equal sides हैं उनके मेडियंस भी आपस में इक्वल होंगे। बहुत कॉमन बात बोला हूं मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स बराबर थी इसलिए तीनों मेडियंस इक्वल हुए, लेकिन आइसोसेलस ट्रायंगल है तो उसमें तो दो ही साइड्स इक्वल है, तो उनके जो मेडियंस होंगे वो इक्वल होंगे, आपस में उनकी लेंथ बराबर होगी। आगे, द मेडियन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस। अब अगर आइसोसेलस ट्रायंगल है तो उसकी दो साइड्स जब आपस में बराबर हैं, ठीक, तो इस वाली साइड पर जो वर्टेक्स बनेगा, अरे जो मीडियन बनेगा वो परपेंडिकुलर ही तो होगा क्योंकि दोनों साइड्स बराबर है, तो ठीक सीधे बीच में जाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये बात क्लियर हुई?
Yes, sir. कि आइसोसेलस ट्रायंगल में जो बेस पर मेडियन आएगा, बेस किधर भी हो सकता है क्योंकि साइड कौन सी बराबर है हमको पता तो है नहीं। मान लो ये और ये साइड इक्वल है आइसोसेलस ट्रायंगल की, ये बेस हो गया, तो इस बेस पर जो मेडियन बनेगा वो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक, अगर ये बराबर होती आइसोसेलस ट्रायंगल की तो फिर ये बेस का काम करता, इस पर जो मेडियन बनेगा वो 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा। सताक्षी बात समझ में आई आपको? तीन चार बातें हम लोग सीखे। पहली कि किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन को हम मीडियंस कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से जब मीडियन ड्रा किया जाता है तो वो सब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। yes, उस इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस को हम कहते हैं सेंट्रोइड। ठीक, उसके बाद कुछ और बातें हम लोगों ने सीखा कि अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल है, तो उनके मीडियंस भी आपस में इक्वल होंगे। अगर अब इक्विलेटरल से आगे बढ़ते हैं, अब आइसोसेलस ट्रायंगल आ गया, यानी दो साइड्स इक्वल हैं, तो जो दो साइड्स इक्वल हैं उन पर जो मीडियंस बन रहे हैं वो आपस में इक्वल होंगे। और आइसोसेलस ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखा कि आइसोसेलस ट्रायंगल में जो बेस पर मीडियन बनेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? यस सर। आगे, हाँ ये भी बहुत जरूरी है, जो ये सेंट्रोइड है ये इन मीडियन को 2:1 के में डिवाइड करता है। अगर ये ए है तो इस साइड 2a होगा, ये ले 2:1 में। ठीक है, ये 2a होगा, ये होगा, ये 2a होगा और ये a होगा। इस तरह से बांटेगा कि 2:1 में ही डिवाइड होगा। सही है? yes, तो सेंट्रोइड और मीडियंस क्लियर है? yes, कल ये वर्कशीट बात हुई थी, वर्कशीट 5 की, एक बार फिर से सुन लीजिए। ए मेडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज द लाइन सेगमेंट, जो मेडियन है वो एक लाइन सेगमेंट है दैट जॉइन ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। समझ चुके हैं हम लोग? yes, प्रिया क्लियर? शिवम, मेडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंस, का मतलब होता है कि एक पॉइंट से होकर क्रॉस होंगे। ठीक है, द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल लाइज इन द, हमेशा इंटीरियर होगा, अंदर की ओर, ट्रायंगल के अंदर रहेगा, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड ईच मेडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। बहुत अच्छे। इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल द मेडियंस टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलस ट्रायंगल है तो उनके मेडियंस भी आपस में इक्वल साइड वाले। द थ्री मेडियंस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल होंगे। चलिए अगला हमारा टॉपिक है एल्टीट्यूड एंड ट्रायंगल। बस बस शांत हो जाइए। Altitude and orthocenter. अब देखिए, मेडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस तो एक बेसिक सा डिफरेंस है, ये है ट्रायंगल। मेडियन के केस में हम लोगों ने क्या कहा था, इन सबका मिड पॉइंट था और वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाते थे, जो लाइन मिलाती थी इन दोनों पॉइंट्स को उसे ही हम लोग मेडियंस कहते थे। सही है बेटा? अब एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या है, मिड पॉइंट से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, मिड पॉइंट से कोई भी कनेक्शन नहीं, यानी वर्टेक्स से बेस पर यानी सामने अपोजिट वाली साइड पर परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रा हो रही है इसे ही, इस लाइन को ही हम क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड। यानी एल्टीट्यूड के केस में मिड पॉइंट का कोई रोल नहीं है, सीधे सीधे वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की गई उसे हम एल्टीट्यूड कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर अपोजिट साइड पर ड्रा किए
तो एल्टीट्यूड क्या है? अब इसी तरह यहां से भी अपोजिट साइड पर ड्रा करेंगे, ये भी परपेंडिकुलर होगा, मिड पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह इस वाले वर्टेक्स पे भी अगर हम ड्रा करेंगे तो यू, ठीक है, तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, यानी इसी भी ट्रायंगल में उसके वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की गई है उस लाइन को, उस लाइन सेगमेंट को हम लोग कहते हैं एल्टीट्यूड। क्लियर है? और ये एल्टीट्यूड्स भी देखिए किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहेंगे। सही है ये? यस सर। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं चल रहा है ना भाई? हाँ बोलिए। हाँ ऑर्थो सेंटर स्पेलिंग गलत है क्या? इसी पॉइंट को इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स को देखने में देखो अच्छा, बहुत अच्छा, हर्ष ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिया कि उसको पता नहीं होगा, उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिया, लेकिन उसने अच्छा क्वेश्चन किया। सुनो क्या कि इसी तरह का फिगर अभी पिछले में बना था, मीडियम सुने एल्टीट्यूड से भी इसी तरह का भी फिगर बना, तो ये उसमें हम सेंट्रोइड कह रहे थे, इसमें ऑर्थो सेंटर कह रहे, ऐसा क्यों हुआ भाई? सुनो उसका रीजन क्या बेटे, वहां पे जो हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहे थे वो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाते थे और उसको हम लोग मीडियंस कहते थे, तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस जो है उसको हम सेंट्रोइड कहते हैं और इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है? हाँ एक, हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे शैतान हो गया, 90 डिग्री देखो ना, ठीक है? अरे भाई वहाँ क्वेश्चन रहेगा ना, आप वहाँ दिया रहेगा कि आप मीडियम की बात कर रहे हैं कि एल्टीट्यूड्स की बात कर रहे हैं। अगर एल्टीट्यूड्स की बात कर रहे हैं तब तो ऑर्थो सेंटर, अगर मीडियम की बात कर रहे हैं तो सेंट्रोइड। अब सही है आदि, और कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो हो गया, लेकिन एक यहाँ बेसिक सा डिफरेंस और बेसिक्स का बड़ा सा डिफरेंस है कि सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर बन रहा था, लेकिन ये ऑर्थो सेंटर भाई साहब जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर बने। अब लेकिन यहाँ तो ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, तो ट्रायंगल के अंदर कब बनेगा? सुनिए, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, कई टॉपिक चल रहे साथ साथ हो रहा है, फिर से एक बार बोल दूं? यस सर। अब बस बहुत ध्यान से सुनो बेटा, मीडियन हम किसको कहे थे? वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मध्य बिंदु, जिसे मिड पॉइंट कहते हैं, उस मिड पॉइंट से जो लाइन मिल रही है वर्टेक्स से उसको मीडियंस कहते हैं। और तीनों वर्टेक्स पर जब मीडियंस बनाएंगे तो किसी एक पॉइंट पर कट करेंगे, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहते थे सेंट्रोइड। लेकिन एल्टीट्यूड के केस में ट्रायंगल के वर्टेक्स से तो स्टार्ट करेंगे, अपोजिट साइड भी रहेगी, लेकिन मिड पॉइंट हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, किसी किसी केस में हो भी सकता है, लेकिन हमको परपेंडिकुलर लाइन देखना है। वर्टेक्स से जो लाइन ड्रा हो वो अपोजिट साइड पर 90 डिग्री बनाए, उसी को हम एल्टीट्यूड कहेंगे। ओके, तो ये तीनों वर्टेक्स से एक एक एल्टीट्यूड बनेगा अपोजिट साइड पर, 90 डिग्री बना रहे, तो ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहेंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे तीन केस मिलेंगे हमको, अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट का मतलब ये सारे एंगल जो है 90 डिग्री से छोटे हो, ठीक है, अगर ऐसा ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर है वो हमेशा बीच में रहेगा, इंटीरियर रहेगा, ठीक। अगर एक्यूट एंगल है तीनों एंगल, तो ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं ना, यस सर, अगर तीनों एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम है जिसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, तो उस केस में ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर रहेगा, इंटीरियर। अब एक केस सर, अगर एंगल बीच में है,
जहां क्रॉस करेगा इंटरसेक्शन पॉइंट पर बनेगा, ठीक है। और एक 90 डिग्री ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हम लोग बात कर रहे थे एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल में ये और ये तो एक्यूट होंगे, लेकिन ये 90 डिग्री होगा ना, परपेंडिकुलर होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अब इनका एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं, तो ये मान लो ए बी और सी है, तो भाई ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है और एक वर्टेक्स ये है। तो इस वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे इसी लाइन पर तो आएगा, आएगा। इसी तरह इस वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे इस लाइन पर, यही अपोजिट साइड है ना, इस पर ये जाएगा, यही 90 डिग्री बन रहा है। कोई दूसरी लाइन खींच ड्रा कर सकते हैं, 90 डिग्री बनाते हुए इससे यही बनेगी और इससे यही बनेगी। अब बच गया ये वर्टेक्स, इस वर्टेक्स के अपोजिट ये साइड है, इस पर ए ड्रा कर लेते हैं 90 डिग्री, ये एल्टीट्यूड होगा, यही ना हम लोग सीखे हैं वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर ड्रा परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट को एल्टीट्यूड कहते हैं। तो देखिए इससे इस पर किए, इससे यहां आया, इससे यहां आया, तो इस वाले पॉइंट पर हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है तीनों के तीनों एल्टीट्यूड का। यही इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में यही ऑर्थो सेंटर होगा, यानी हम ये याद रख सकते हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर हमेशा उस पॉइंट पर बनेगा जहां राइट एंगल है। देखो यही बनेगा, आप इधर रहते तो इधर बनता, अगर इस तरफ से ट्रायंगल बना लिए होते यहाँ बनता। ये जो राइट एंगल वाला हमारा वर्टेक्स है उसी पर हमारा जो है इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, उसी पर हमारा ऑर्थो सेंटर होगा। तो अब नोटिस करो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल था तो ऑर्थो सेंटर अंदर था ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल आया तो यहाँ साइड में आ गया, वर्टेक्स पर आ गया। चलिए बेटा एक बार फिर से जरा सा लैटिट्यूड और ऑर्थो सेंटर देख लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, क्योंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के इंटीरियर होता है ऑर्थो सेंटर, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स पर बनता है ऑर्थो सेंटर, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं, और इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में देखते हैं ऑर्थो सेंटर कहां बन रहा है। नाम दे दिए वर्टेक्स को ए बी सी। अब देखिए क्या डिफिनेशन है एल्टीट्यूड सी, कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की गई है उसी लाइन सेगमेंट को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। इससे परपेंडिकुलर लाइन अब इस लाइन पर तो ड्रा हो नहीं पाएगा, इस लाइन को हमने एक्सटेंड किया क्योंकि ये भी तो इसी लाइन का पार्ट है, ठीक। अब इस जगह बन गया 90 डिग्री, ये एल्टीट्यूड सही है। इस वर्टेक्स की बात करें तो इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट ये साइड है, इस पर 90 डिग्री बना ले, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिए, यहाँ 90 डिग्री बनना होगा। अब रह गई बात हमारे पास जो है सी वर्टेक्स, अब सी वर्टेक्स के अपोजिट तो ये साइड है, और इस साइड पर कहीं भी लाइन ड्रा करेंगे वो 90 डिग्री तो नहीं बनाएगा क्योंकि ये लाइन सीधी तो है नहीं, ठीक। तो हमको इसको भी एक्सटेंड करना होगा कुछ पीछे की तरफ, इसी लाइन का पार्ट है ये एक्सटेंडेड पार्ट। अब इस पर इस लाइन पर मतलब इस वर्टेक्स पे इस लाइन पर जो कि अपोजिट है इसके, उस पर हमको 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन ड्रा करनी होगी जिसे हम एल्टीट्यूड कहेंगे। तो ये कुछ ऐसे बन रहा होगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो अब नियम तो ये कहता है कि इन एल्टीट्यूड को बनाने में कुछ मिस्टेक हुई होगी तो उसको सही करेंगे हम लोग, अगर थोड़ा इधर उधर एडजस्ट करना होगा तो। अब नियम ये कहता है कि ये जो एल्टीट्यूड्स हैं ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे ऑर्थो सेंटर। तो अब इसको अब देखो ऐसे तो सही दिखने का कि इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन कहीं पीछे बढ़ाते हैं कहीं तो करेगा इंटरसेक्ट। ये लाइन यहाँ ड्रा कर दिए, इस लाइन को इधर ड्रा कर दिए। अब देखिए ये थोड़ा सा दूर भाग रहा है, इसको सही एडजस्ट कर देते हैं।
जब हम कंस्ट्रक्शन में यही काम करेंगे तो कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, उसमें एग्जैक्ट आएगा उसी पॉइंट पर। अभी आगे मिलेगा कंस्ट्रक्शन वगैरह भी अब करेंगे तो यहाँ सही बना दे रहा हूँ मैं ऐसा इसके हिसाब से। ये यहाँ पर 90 डिग्री बनेगी, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीनों एल्टीट्यूड्स, उसी को हम कहेंगे आर्को सेंटर। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में देखिए आर्को सेंटर ट्रायंगल के बाहर बन रहा है एक्सटीरियर, यही हम लोग पढ़े थे। चलिए जरा वर्कशीट 4-6 है ना, वर्कशीट 6 को एक बार देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या थी, बात नहीं होगी। वर्कशीट 6 एन अभी भी कोई बोल रहा एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर रहेगा अपोजिट साइड पर। फिल इन द ब्लैंक सुनिए, ये प्रॉपर्टीज याद है जिसको वही बता पाएगा। सेकेंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स आर्को सेंटर, जहां पर अल्टीट्यूड क्रॉस करेंगे इंटरसेक्ट उस पॉइंट को कहते हैं आर्को सेंटर। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द आर्को सेंटर इज एक्स ऑफ राइट एंगल, वर्टेक्स जो राइट एंगल जहां पर बन रहा है इस वाले पॉइंट पर ना, जहां 90 डिग्री बन रहा है उसी वाले वर्टेक्स पर आर्को सेंटर बनेगा। आगे द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल आर, द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल आर इक्वल, उनकी लेंथ इक्वल होगी क्योंकि साइड्स इक्वल थे। द थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उनके एल्टीट्यूड्स भी आपस में इक्वल होंगे। चलिए बहुत अच्छे,